ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मशाला में बुद्धिजीवी बसते हैं और प्रबुद्ध मतदाता हैं, इसलिए जाति और वर्ग के आधार पर वोट नहीं डालेगा। ये शब्द पूर्व सांसद एवं मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया के पक्ष में योल के पीरू सिंह चौक में और रामनगर में जनसभा को संबोधित करने के उपरांत धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। धर्मशाला में बुद्धिजीवी बसते हैं और प्रबुद्ध मतदाता हैं, इसलिए जाति और वर्ग के आधार पर वोट नहीं डालेगा। ये शब्द पूर्व सांसद एवं मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया के पक्ष में योल के पीरू सिंह चौक और रामनगर में जनसभा को संबोधित करने के उपरांत धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। शांता कुमार ने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबले की बातें महज अफवाहें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी धर्मशाला और जिला कांगड़ा की जनता ने जातिवाद और वर्गवाद को नकार कर बीजेपी को जीत दिलाई थी। हालांकि लोकसभा चुनावों से पहले हमें भी लगा था कि वर्ग विशेष की बहुलता वाले क्षेत्रों में हम पिछड़ सकते हैं, लेकिन प्रबुद्ध जनता ने अपना दृष्टिकोण साफ करके बीजेपी को जीत दिलाई। शांता कुमार से उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राजनीति मेरी अथवा मेरे परिवार की जागीर नहीं है, अपितु राजनीति लोगों और मेरी पार्टी की है, तो राजनीति को मुझे किसी को देने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दी। शांता कुमार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की हालत पर दुख हो रहा है। देश में विपक्ष होना बहुत जरूरी है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एक अच्छा विकल्प थी, लेकिन आज वे नेता विहीन है। जिस अध्यक्ष से कांग्रेस ने उम्मीद लगा रखी थी, वे चुनाव में हार के बाद त्याग पत्र देकर पीछे हट गए। आज हालत ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष विहीन है और अध्यक्ष पद सोनिया गांधी की गोदी में फेंक दिया गया है। शांता कुमार ने कहा कि उनकी निजी इच्छा है कि कांग्रेस नेहरू परिवार से बाहर निकलकर खड़ी हो। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की खुशनसीबी है कि एक माह के भीतर दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, 7 व 8 नवंबर को इन्वेस्टर मीट और उससे पहले 21 अक्टूबर को वोटर मीट। इन्वेस्टर मीट एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसकी प्रदेश को लंबे समय से जरूरत थी। इस बार हम कह सकते हैं कि हमारी औद्योगिक नीति सबसे बेहतर है। अधिकारी वर्ग ने भी खूब मेहनत की है, लेकिन हमारे विपक्षी लोग सिर्फ विरोध करने के लिए इन्वेस्टर मीट का विरोध कर रहे हैं। शांता कुमार ने सवालों के जवाब में माना कि धर्मशाला के विकास में कुछ कमियां रही हैं और उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। राजनीति मेरी जागीर नहीं है, राजनीति जनता की है, मेरी पार्टी की है, तो राजनीति को किसी को देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने दी नहीं। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे बेटे की भी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए मैं बड़े आनंद में हूँ कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है और मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने राजनीति में आने की कोशिश नहीं की, इससे मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। सर, अचीवमेंट्स को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में जो है वो लोगों के समक्ष इन उपचुनावों में किन अचीवमेंट्स को लेकर, 2 साल में कौन सी अचीवमेंट्स हुई है? देखिए, 2 साल के अंदर इतना कुछ काम हुआ है देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, उसको बताने की जरूरत, जनता जानती है। देखिए, पहली बार पूरे देश में, प्रदेश में आम गरीब आदमी के लिए सोचा जाने लगा है। आयुष्मान योजना से लेकर सारी योजना, किस किस का जिक्र किया जाए, और मैं आपको बताऊं, पूरा देश जानता है। और इस चुनाव में भी, अभी जो चुनाव हो रहे हैं 21 तारीख को, महाराष्ट्र से लेकर और हरियाणा से लेकर और धर्मशाला पे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि सरकार इनकी है, पार्टी का। धर्मशाला में कहीं अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ होगा तो कौन करेगा, सरकार ही करेगी ना। तो सरकार तो दिल्ली में भी हमारी है और हिमाचल में भी। बहुत बढ़िया सही उम्मीदवार हमने विशाल नेहरिया को दिया, एक युवा है, और मैं समझता हूँ धर्मशाला की जनता को बहुत अच्छा नेतृत्व मिला। सर, इन्वेस्टर मीट को लेकर के आपने कहा है कि इन्वेस्टर मीट हो रही है, लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि ये भाजपा की ड्रामा है, क्या लगता है? कांग्रेस क्या बोल रही है, मैंने यही कहा ना कि विरोध के लिए वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर मीट के लिए जिस ढंग का होमवर्क हिमाचल की सरकार ने किया है,
मुझे पूरा विश्वास है कि ये 8-9 नवंबर की इन्वेस्टर मीट हिमाचल के इतिहास में एक मील पत्थर होगा। सर आपने कहा कि कांग्रेस के प्रति आपको हमदर्दी है, क्या वजह है कि आपको हमदर्दी आ गई कांग्रेस के? देखिए मैं लोकतंत्र पे भरोसा करता हूँ, शायद आपको पता नहीं जब पिछली बार चुनाव का रिजल्ट निकला कांग्रेस साफ हो गई तो मैंने कहा हम तो जीत गए लेकिन लोकतंत्र हार गया। लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष होना जरूरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं लेकिन मैं भारत वर्ष का एक नागरिक भी हूं। भारत के नागरिक के तौर पर मैं चाहता था कि कांग्रेस आत्महत्या न करती, कांग्रेस को कांग्रेस के नेता एक परिवार की गुलामी से बाहर निकालते, किसी और अच्छे कांग्रेस में बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं उनको नेता बनाते और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाती। इसलिए मैंने कहा कि अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा विपक्ष होना जरूरी है, इसलिए मुझे हमदर्दी है।